बाबा गुस्सा छोड़ो, मैं सिमरन से बात। सच मम्मा? हमारी बातें अगर तुम्हारी समझ में नहीं आती ना तो हमारे साथ रहने की जरूरत भी नहीं है। शादी अगर एक बंधन है तो प्यार भी कमिटमेंट है, मैं अपने आप से क्या कहूँ। तुम परेशान ना हो, तुम मुझे पसंद करते हो, यही काफी है मेरे लिए। हमेशा मेरी बेटी नहीं है तो सुलोचना की बेटी है, जिसे वो बाई समझती है। आज तक अमीषा से छुपी हुई है और अब सुलोचना और मेरे अलावा सिर्फ तुम्हें मालूम है। लेकिन सुन रहे, मैं ही उसकी माँ हूं। सुलोचना ने उसे जन्म जरूर दिया लेकिन परवरिश तो मैंने की है ना उसकी। मेरा हाथ पकड़ के चलना सीखा है उसने। डॉक्टर दरान, कोई भी कभी भी ये नहीं कह सकता कि अमीषा आपकी अपनी बेटी नहीं है। बेटी की तरह पालना और उसे अपना नाम दे देना दो अलग बातें होती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है जो आपने की है। आप नहीं जानती आज मेरी नजरों में आपकी इज्जत कितनी बढ़ गई है। नहीं सिमरन, मैंने कोई एहसान नहीं किया है किसी पे। हाँ, शायद आज से 17 साल पहले किसी की मदद करनी चाहिए मैंने। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी जब सुलोचना ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये कैसे हो गया सुलोचना? तुम्हें विधवा हुए 8 साल हो चुके हैं और तुम पेट से हो, क्या कह रही हो तुम? मेरी मदद कीजिए मैडम। क्या समझती हो, तुम्हारी मालकिन डॉक्टर है तो तुम्हारी ऐसी हरकतों पे पर्दा डाल देगी? मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत रखना। गलती करते हुए ये नहीं सोचा था कि अब क्या होगा? जाओ पछताओ। मैंने कोई गलती नहीं की है और ना ही मुझे कोई पछतावा है। वो तो मुझसे शादी करना चाहता था। हाँ हाँ, विधवा समझकर दोबारा शादी करने का वादा करके छोड़ के भाग गया। जाओ उसी के पास जाओ। नहीं जा सकती। क्यों, शादीशुदा है वो? गुजर गया। कब? दो दिन पहले अपनी फैक्ट्री में तेजाब के ड्रम में गिर गया था वो। सॉरी, मैं तुम पे बेकार नहीं चिल्ला रही। देखो सुलोचना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, कल हॉस्पिटल आ जा। हॉस्पिटल? बच्चा जितनी जल्दी गिरा दो उतना अच्छा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे मदद मांगने आई थी इस बच्चे को जन्म देने के लिए और आप इसे? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं इस बच्चे को जन्म देने के लिए कहीं भी चली जाऊंगी, कैसे भी जी लूंगी। और जब मैंने देखा सुलोचना अपनी ममता का गला घोटने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे अंदर भी ममता जाग उठी। मैंने उसे समझाया, समाज में इज्जत से जीने के लिए कुछ समझौता करना पड़ता है। मैंने उसे कहा बच्चे को जन्म देने के बाद मुझे दे देना, कहने को तो वो मेरे आंगन का फूल कहलाएगा पर हकीकत में तुम्हारे आंगन का फूल होगा। मैं तो बस माली बनकर उसकी परवरिश करूंगी। कई बार सुना था कि ममता सिर्फ जन्म देने से नहीं होती, पालने से भी होती है। आज आपकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो सारी बातें सच है।
सुलोचना चाहे कुछ भी समझे, मैं अमीषा को दुखी नहीं देख सकती। शायद वो डरती है कि आपका प्यार कहीं अमीषा को बिगाड़ ना दे। सिमरन इन लोगों की सोच का क्या करे, मॉडलिंग को वो अच्छा नहीं समझती। वो अमीषा को डॉक्टर बनाना चाहती है। हम समझते हैं कि आजकल के बच्चों पर अपने एक्सपेक्टेशन थोपना ठीक नहीं, लेकिन वो तो नहीं समझती। उसे लगता है बच्चों को चार थप्पड़ मारेंगे तो वो बात मान ली। ठीक है, मैं अभिमन्यु से बात करती हूँ अमीषा के लिए। लेकिन मॉडलिंग करने के लिए बात नहीं करना, उसे मॉडल बनने से रोकने के लिए बात करना। क्यों? आपको तो अमीषा के मॉडल बनने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन सुलोचना का तो है। जो भी कहो, वही उसकी असली माँ है। अमीषा के लिए उसने दूसरी शादी भी नहीं की। उसने भी तो सपने देखे होंगे अपनी बेटी के लिए। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। बहुत दुख होगा उसे। मैं चाहती हूँ अमीषा अभिमन्यु से मिले और अभिमन्यु किसी तरह उसे कन्विंस करे कि उसका मॉडल बनना ठीक नहीं, या एटलीस्ट कुछ सालों तक मॉडल बनना ठीक नहीं है। वो अभिमन्यु की बात ज़रूर मानेगी। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं अभी से कह दूंगी वो संभाल लेंगे। और प्लीज़ ज़रा भी फिक्र मत कीजिए, आपकी और अमीषा की बात मुझ तक ही रहेगी हमेशा। थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं, तुम बैठो। This is my style, Mama. The new generation, you know, not like your old one. okay, I got it. वैसे ये style अच्छा लग रहा है। Thank you. अच्छा Mama, एक बात कहूँ? आज मुझे आते-आते थोड़ी देर हो जाएगी। It's okay ना? क्यों? शो तो शाम को खत्म होगा। दीप्ति ने टेरिस पार्टी रखी है, that's why. Okay. अच्छा, देर मत करना। हाँ सुन, हाँ मैंने आज सिमरन से बात कर ली है। Mama, आपने अभिमन्यु अंकल से डायरेक्ट बात क्यों नहीं की? क्योंकि सिमरन तुम्हें अच्छी तरह से जानती है और अभिमन्यु को तुम्हारे बारे में अच्छी तरह बता पाई, और अभिमन्यु सिमरन की बात को टालेगा नहीं। सच मम्मा, थैंक यू सो मच मम्मा, दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी मेरी है, तालियां। अच्छा अच्छा, मुझे पटा मत, खाना खाया तूने? नहीं। क्यों मम्मा? मैं बहुत जल्दी बैठू, मैं जा रही हूँ, बाय। सुलोचना ने खाना नहीं दिया तुझे? भगवान की दया से आज वो घर में नहीं है, थैंक गॉड। ओके बाय। सुलोचना कहाँ गई? हमारी बातें अगर तुम्हारी समझ में नहीं आती ना, तो हमारे साथ रहने की जरूरत भी नहीं है, समझी? सुलोचना, 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 ये क्या? सुलोचना कहाँ गई थी? जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा सकती। आपने तो कह दिया कि चले जाओ। आप माँ बेटे के बीच में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो मुझे, गुस्से में न जाने क्या क्या कह गई थी। पर तुम तो मुझे इतने सालों से जानती हो, मैं तुम्हें अपने घर से निकाल सकती हूँ क्या? तुमने कैसे मान लिया कि मैं सच में तुम्हें निकल जाने के लिए कह रही हूँ? देखो, अमीषा के लिए वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। तुम्हारे कहने पर मैं सिमरन को मिलके आई। मैंने उससे कहा है कि अभिमन्यु से कहे कि अमीषा को मॉडल बनने से रोक दे। यही चाहती हूँ ना? तो क्या कहा उन्होंने? यही कि वो अमीषा को समझाएंगे। आप तो बहुत नाराज होंगे ना मुझसे। किस बात? यही कि मैं घर छोड़कर चली गई। लेकिन सच मानिएगा, दिन ने चार कदम चलने से भी मना कर दिया। आपके
इतने एहसान है मुझे, और मैं सब कुछ भुला बैठी। क्या करें से बचना, हम अपने अपने बच्चे का भला चाहते हैं। आज मुझे पहली बार पता लगा कि आप ही हमेशा की असली माँ है। आपका दिल बहुत बड़ा है मैडम, जैसा माँ का होता है। आज देर कैसे हो गई? शूटिंग तो थी नहीं तुम्हारी? शूटिंग तो नहीं थी सिर्फ, अगले शूट का भी तो हिसाब किताब देखना था ना, उसी की तैयारी में लगे थे सबको सब। चलो सिमरन, मुझे ये ट्रॉफी की जगह यहाँ पे मुझे ठीक नहीं लग रही। मेरा शक सही निकला। क्या? सुबह सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए तुमने कहा था ना कि ट्रॉफी यहाँ अच्छी लगती है, मुझे भी जगह पसंद नहीं है। ये हमारी जिंदगी में इतनी वैल्यूबल है कि हमें इसके लिए एक स्पेशल ग्लास शेल्फ बनाना चाहिए, है ना? जानते हो अभी मैं जब भी इस ट्रॉफी को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभिमन्यु सक्सेना में मेरा जितना कॉन्फिडेंस था वो सही था। इसको हम लोग कहीं अच्छी जगह पे लगाएंगे, हाँ, जहाँ पे खूबसूरत दिखे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अभी बात करनी थी तुमसे। बोलो। डॉक्टर दलाल की बेटी अमीषा तुमसे मिलना चाहती है। क्या हो गया? नहीं, मॉडलिंग करना चाहती है और चाहती है कि तुम उसका पोर्टफोलियो बनाओ। श्योर। प्रॉब्लम है कि डॉक्टर दलाल ये नहीं चाहते कि अमीषा इतनी जल्दी मॉडलिंग स्टार्ट करे। शी थिंक शी इज टू यंग, वो चाहती और पढ़े हो, इसलिए अभी आई नीड योर हेल्प। जब वो तुमसे मिलने आए तो तुम उसे डिसवेट कर दोगे, डिस्करेज कर दोगे? प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। कर दूंगा। मैं आता हूँ। थैंक्स। शगुना फोन उठाओ। क्या हो गया शगुना? फोन आओ, आओ गॉड। क्या हुआ आनंदी? तुम? हाय, कुछ नहीं, मेरा बस थोड़ा घुटना लग गया टेबल से। हाउ आर यू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है आज सुबह से विवेक और मैं आपको बहुत याद कर रहे थे। अच्छा, क्यों? आप बताइए क्यों। बताओ ना क्यों। आज से ठीक एक साल पहले आपने मुझे नई जिंदगी दी थी। ओह माय गॉड आनंदी, एक साल हो गया? और क्या? ओह वाह, हाउ इज द लिटिल मॉन्स्टर? लिटिल मॉन्स्टर, सही कहा भाभी आपने, वो बिल्कुल मॉन्स्टर ही बन गया है, बड़े बड़े दांत निकल आए हैं। हाउ स्वीट, उसे मेरी तरफ से विश कर देना एंड बोथ ऑफ यू कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाभी। और इसका मामा कहाँ है? अभी काम पर गए हैं, मैं उन्हें भी कह दूंगी कि तुम्हें फोन कर दूँ। एंड आनंदी, थैंक यू तुमने मुझे याद किया। भाभी, अब तो हम सीधे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। रियली? कब? मैं फोन करके बता दूंगी आपको। आ जाओ, तुम दोनों आओगे तो मेरा भी मन बहल जाएगा। मैं भी घर को बहुत मिस करती हूँ भाभी। अभी से कहिएगा हमें फोन करें। जरूर आनंदी, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू टू भाभी, बाय। बाय। ओ गॉड, एक साल हो भी गया। आज रश्मि की पहली एनिवर्सरी। कर रही थी, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी?
बस ऐसे ही लेटी हुई थी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तुझसे बात करने का दिल कर रहा था इसलिए फोन किया। आपको आपको याद था कि आज? ऑफ कोर्स याद है, एक साल ही तो हुआ है अभी। ऐसे लगता है जैसे कल ही तुम सबके साथ थी, तेरी शादी की तैयारियां कर रही थी, माँ पापा कितने खुश थे, पर अब देखना पलक झपकते ही सारा घर खाली हो गया, कोई भी नहीं। दीदी मुझे लगता है कि वो जन्म कोई और था, तो रश्मि ही कोई और थी, मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाती। ऐसा मत बोल बेटा। वो दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। रश्मि बेटा तेरे सास ससुर आए हैं। एक फोन तो कर दिया होता आपने, यहां मुंबई पहुंच के भी फोन नहीं किया, मैं आपको लेने आ जाता और फिर अपने दोस्त के यहां रहने चले गए, ये अच्छा नहीं किया आपने। मैं दिल्ली से फोन करता आपको, लेकिन हमारा प्रोग्राम फाइनल नहीं था। भाई साहब हम रश्मि से मिलना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं हमें देखकर उसके लिए राहुल के गम को भुला पाना मुश्किल ना हो जाए। हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम अपने ख्याल तो रखती हो। आओ बेटा बैठो। आप लोगों का बिजनेस कैसा चल रहा है? बेटा बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा है। तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं पापा आप जलजीरा पियेंगे? पता है बुआ पापा को जलजीरा बहुत पसंद है, मैं अभी आप सबके लिए लेकर आती हूँ। वाले ने ऐसी परीक्षा ली है लेकिन इसने हम पे अपना कोई भी दुख जाहिर नहीं होने दिया। तसल्ली की बात तो यह है कि रश्मि की दोनों बड़ी बहनें यहीं पे हैं, उसका मन लगा रहता है। कविता का बेटा है ना अक्षय, उसके साथ रश्मि को खेलना बहुत अच्छा लगता है। और फिर कुछ दिनों बाद सिमरन का भी बच्चा हो जाएगा, इस घर में सारी खुशियां फिर लौट आएंगी। लेकिन रश्मि की अपनी जिंदगी भी तो है, उसका क्या होगा? ये हम बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि रश्मि की फिर से शादी कर दें। शादी इस हालत में? देखिए हम लोग यहाँ आए ही इसलिए हैं कि कहीं आप हमारा ख्याल करने के चक्कर में रश्मि के साथ कोई जाती ना कर दे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बात आपने शुरू की, बहुत ही जिम्मेदारी का काम किया। मैं समझ सकता हूँ, अपने हम सफर के बगैर जीना कितना मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है। ठीक कह रहे हैं, वाकई रश्मि की शादी फिर से हो जाएगी। पापा बहुत ख्याल है आपको मेरा, सबको बहुत फिक्र है मेरी, लेकिन आज जो बात आपने की है ना, बहुत दिल दुखाया है आपने मेरा। डैडी मैं बहुत खुश थी कि आप लोग मुझसे मिलने आए, मेरे दुख में शामिल होने आए, लेकिन आपका इरादा तो कुछ और है। किसी को याद नहीं, सब भूल गए। आज राहुल और मेरी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, आज सुबह से मैं उसे याद कर रही हूं। वो एक एक लम्हा जो उसने मेरे साथ गुजारा, वो एक एक वादा जो उसने मुझसे किया,
आज ही के दिन आप लोग ने हमें आशीर्वाद दिया था और आज ही के दिन आप मुझे उससे अलग कर रहे हैं, उसकी यादों से मुझे छीन रहे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। आज इसकी वेडिंग एनिवर्सरी है।